ફરી એક નવા વિડીયોમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ પાંચ ભાગ બે એમાં પાઠ નંબર એકાઇ જે છ છે હસિકા પિટારા એ પાઠનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો વિડીયોના અંત સુધી તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો બન્યા રહેજો અને એકથી પાંચ પાઠની લિંક પણ નીચે આપેલી છે તો એ તમે ના જોયા હોય તો એમાં તમે જઈ જોઈ શકશો शुरुआत આપણે કરી દઈએ પ્રશ્ન પહેલો છે નિમનલખિત ચુટકુલે કા પઠન ચીજીએ તો આપણે નું પઠન કરીએ કે બેટા દેખના गेहूं સુખ રહા હે કહી ગાય ન ખા જાય અરે અરે ગદા गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो आपने गाय को हटाने का कहा था यह तो गधा है प्रश्न दूसरा है कोई भी दो चुटकुले लिखिए श्याम राम राम श्याम को देखकर क्यों भी गधे को लेकर कहाँ जा रहा है तो श्यामू श्यामू कहता है मूर्ख वो क्या यह गधा नहीं कुत्ता है तो रामू क्या कहता है मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ दूसरा है मालिक कहता है नौकर से तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर तो नौकर थोड़ी देर बाद कहता है मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है क्या मैं उसे भगा दूं और तीसरा प्रश्न है किसी भी सामूहिक या अखबार से सुटकुले ढूंढकर यहाँ पर चिपकाए लेवा जोक्स तुम्हारे गोती नहीं है चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए उदाहरण दिया है समय तो इसका मतलब होता है वक्त तो वाक्य प्रयोग क्या होता है तो समय किसी की राह नहीं देखता है और ऐसे हमें चार दिए गए हैं तो इसका हमें मीनिंग समझना है दोस्त तो मित्र तो दोस्त होगा वाक्य प्रयोग होगा राजा और कालिदास मित्र थे आप अपना भी लिख सकते हो दूसरा है बेवकूफ इसका मतलब होता है मूर्ख तो वाक्य प्रयोग क्या होगा मैं मित्र मेरा मित्र अवश्य मेरा मित्र बेवकूफ जैसे हरकत करता था तीसरा है सुबह तो प्रातः तो काल तो वाक्य प्रयोग होगा मैं सुबह पढ़ने बेचता हूँ और सूर्य तो इसका मीनिंग होगा रवि तो वाक्य प्रयोग होगा सूर्य की किरणों से उजाला फैलता है चार ब है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिख लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए तो सूखा है सुबह मूर्ख दोस्त और गलत और दिन है इसके सामने है रात दुश्मन बुद्धिमान गीला श्याम और सही तो उदाहरण लिखा है गलत का मतलब होता है सही और वाक्य प्रयोग होता है मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन उत्तर गलत था इस तरह हमें लिखना है सूखा तो गीला तो वाक्य प्रयोग होगा मैंने छोसा मेरे कपड़े सूखे हो गए लेकिन वह गिले थे दूसरा है शाम तो उसका मीनिंग होगा विलोम शब्द होगा सुबह वाक्य प्रयोग क्या होगा मैंने सोचा कि विराट सुबह आएगा लेकिन वह शाम को आया तीसरा है मूर्ख तो बुद्धिमान वाक्य प्रयोग क्या होगा लोग बालू को मूर्ख समझते थे लेकिन वह बुद्धिमान निकला चौथा है दोस्त तो दुश्मन वाक्य प्रयोग होगा मैं समझ रहा था निकुल मेरा दोस्त है लेकिन वह दुश्मन निकला और पांचवा है गलत तो सही जोड़ सही होगा वाक्य प्रयोग जज को लगा कि आरोपी सही बोल रहा है पर वह गलत बोल रहा था और छठा है दिन तो रात होगा वाक्य प्रयोग होगा सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात होते हैं इस तरह से हमने इकाई जो से है हासी का रहा इस इकाई का संपूर्ण सॉल्यूशन देखा अब हम वीडियो का अंत करेंगे और आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे तो मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में